पब्लिक टीवी आपकी आवाज। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुशासन के 9 साल बेमिसाल पूर्ण हुए हैं। उन्हीं के संबंध में एक माह का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज लाभार्थियों का कार्यक्रम था, उनसे वार्ता हुई और उस संबंध में ही हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दारुल उलूम देवबंद ने फरमान जारी किया है कि अगर बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे या किसी और शिक्षा पढ़ेंगे तो उन्हें दीनी मदरसे से दारुल उलूम से निकाल दिया जाएगा, इस पर आपकी सरकार क्या मानती है? भारतीय जनता पार्टी संकुचित विचारधारा को लेकर नहीं चलती है, उसका व्यापक दृष्टिकोण है और वो सभी बच्चों को समान समझती है। वो चाहती है कि चाहे वो हिंदू के बच्चे हों, चाहे मुस्लिम के बच्चे हों, सिख हों या ईसाई बच्चे हों, बच्चे बच्चे हैं और सभी बच्चों के लिए इस समाज का विकास करने के लिए डॉक्टर बनना भी ज़रूरी है, इंजीनियर बनना भी ज़रूरी है, वकील बनना भी ज़रूरी है, शिक्षक बनना भी ज़रूरी है और नेता बनना भी ज़रूरी है। तो इसलिए उनका व्यापक दृष्टिकोण है और व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर सभी विद्यालयों में एक सही पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। डॉक्टर बर्फ ने कहा कि भाजपा जो है वो इमरती चुनाव से पहले कौन क्या कह रहा है इसमें मैं नहीं जाना चाहती, मैंने तो अपनी बात बताई है कि हमारा दृष्टिकोण व्यापक है। 2024 हम विकास के मुद्दे को लेके चल रहे हैं और हमारी तैयारी वोटों की नहीं होती है, हमारी तैयारी विकास की होती है और विकास को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।